ठीक है गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। और यहाँ पे बात करने वाले हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। इसके बारे में भी लोग बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं, एंड पैनिक करने का बनता भी है। एक महीने के अंदर लास्ट अगर देखें तो 7.44%, 7.5% डाउन गया है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। रीज़न क्या है वो भी बताऊंगा, बट मैं आपको पहले बता देता हूं, लास्ट वीडियो में मैंने एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के बारे में बात की थी, और वो भी ग्लोबल एक्सपोजर वाला फंड है, ये भी ग्लोबल एक्सपोजर वाला फंड है। अगर 8-7.5% ये गिरा है, अगर नैस्डेक 100 हम देखते हैं तो वो लगभग 13.5% 14% के आसपास गिरा है। निफ्टी 50 देखते हैं, लास्ट वन मंथ की बातें सारी मैं कर रहा हूँ, तो लगभग 6.5-7% के बाद निफ्टी और सेंसेक्स दोनों गिरा हुआ है। डाउ जोन्स 5% एंड S&P की बात करें तो वो 9% के आसपास डाउन है लास्ट वन मंथ में दिखा रहे हैं। तो अगर सिर्फ नैस्डेक 100 को छोड़ दें तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप उतना ही फॉल यहाँ पे दिखा है जितना कि बाकी जो मेजर एक्सचेंजेस हैं इंडिया के अंदर भी और US के अंदर भी, जितने वो उन्होंने फॉल जितना दिखा है उतना ही फॉल पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ने भी दिखा है। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि इस फॉल के दौरान पराग पारिक आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, डाउन टाइम प्रोटेक्शन नहीं दिखा रहा है, ये बात तो है। और इसका रीज़न मैं बताता हूँ, डरने की बात नहीं है यहाँ पे, रीज़न मैं बताता हूँ कि देखो एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी सिर्फ 3-3.5% ही गिरा था। उसका रीज़न क्या था कि वो जब ही सब कुछ सही था 25% के आसपास ग्लोबली इन्वेस्टेड था, मेजरली पैसा US में ही इन्वेस्टेड था, तो US की बात करते हैं, 25% के आसपास US में इन्वेस्टेड था। और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का क्या है, वो 35% के आसपास US में इन्वेस्टेड है, और अभी उन्होंने बोला कि हम कम कर रहे हैं, फिर भी मेजर पैसा उन्होंने नहीं निकाला है, 0.5%, 1% भी कम नहीं किया, बस पॉइंट में परसेंटेज इन्होंने कम करी है US मार्केट से अपनी इन्वेस्टमेंट। और मेजरली जो स्टॉक्स रहते हैं इन म्यूचुअल फंड्स में, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की बात करें या पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की बात करें, मेजरली नैस्डेक 100 वाले स्टॉक्स ही रहते हैं, मतलब टेक्नोलॉजी वाले स्टॉक्स ही इन फंड्स के पोर्टफोलियो में रहेंगे। आपको माइक्रोसॉफ्ट रहेगा, अमेजॉन रहेगा, गूगल रहेगा, एप्पल रहेगा, और इन सारे फंड्स के अंदर में, इन सारे स्टॉक्स के अंदर में काफ़ी अच्छी खासी गिरावट आई है, तभी तो नैस्डेक 100 इंडेक्स ही 14% के आसपास एक महीने में गिरा पड़ा है। तो इस कारण से क्या हो रहा है कि ये फंड्स ज़्यादा हिट ले रहे हैं, बट एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्या किया कि वो पिछले 1-2 महीने पहले में उसने लगभग 5-6% के आसपास अपनी US एक्सपोजर को कम कर दिया वहाँ पे, तो इस कारण से उसको ये हिट कम लगा है, बट पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ने अपनी एक्सपोजर वहाँ पे कम नहीं की, जिस कारण से इसको ज़्यादा हिट झेलना पड़ रहा है और इसको लगभग 7.5% के आसपास ये फंड डाउन है। तो बस यही सा रीज़न है। और ग्लोबली मार्केट्स अच्छा अभी परफॉर्म नहीं कर रहे, खासकर मेजर US मार्केट को मेजर मार्केट माना जाता है, और हमारे इंडिया के मार्केट है वो US की मार्केट को बहुत ज़्यादा मिमिक कॉपी करती है। तो US में भी गिरावट है, इंडियन मार्केट में भी गिरावट है, और फंड भी अगर गिरावट दिखा रहा है तो डरने की बात नहीं है। इन्वेस्टमेंट किया आपने, भरोसा करके इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टेड रहो। अगर मार्केट अच्छा रहता फिर भी अगर ये ऐसी गिरावट दिखाता तो हम इसको फंड को ख़राब कह सकते थे, या फिर जब मार्केट यहाँ से अगर रिकवर कर जाएगा, मान लो कि अगले 1 महीने में मार्केट नॉर्मल पे आ जाता है और फिर भी फंड में उतनी अच्छी रिकवरी नहीं आती, देन ये फंड ख़राब हम कह सकते इसको। बट अभी के लिए, क्योंकि जिस स्टॉक्स के अंदर मेजरली इसका पैसा लगा हुआ है, उस स्टॉक्स उस इंडेक्स में काफ़ी हैवी गिरावट आई है, इस कारण से ये फंड इतना गिरा है। तो इसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं है, डरो मत, पेशेंस रखो, इन्वेस्टेड रहो। अगर SIP चल रहे हो तो उसको चलने दो, एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। बाउंस बैक में मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी रिकवरी ये फंड भी दिखाएगा, अगर नहीं दिखाएगा तो फिर एग्जिट कर सकते हैं, बट अभी के लिए इसको बिल्कुल भी एग्जिट मत करना, होल्ड करो। अगर मेरे पास रहता, मेरा पैसा लगा रहता तो मैं होल्ड जरूर करता, बाकी आप टेक ले सकते हो, बट मेरी ओपिनियन में होल्ड करना चाहिए, इसको भी एग्जिट नहीं करना चाहिए। इतनी मतलब 1-2 महीने की गिरावट पे अगर आप भागने लगोगे पैसा निकाल के फंड से या स्टॉक से, तो फिर क्या इन्वेस्टर बनोगे आप।